बड़ी खबर, बीजेपी ने उम्मीदवारों की 8वीं लिस्ट जारी की है। ओडिशा, पंजाब और पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम इसमें है। बीजेपी ने 11 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। पंजाब के गुरदासपुर से दिनेश सिंह बब्बू को टिकट मिला है। पटियाला से परनीत कौर को टिकट मिला है। जालंधर से सुशील कुमार रिंकू को टिकट मिला है। फरीदकोट से हंसराज हंस को टिकट मिला है। अमृतसर से तरणजीत सिंह संधु को टिकट दिया गया है। लुधियाना से रवनीत सिंह उम्मीदवार है। अमोद राय इस वक्त हमारे साथ इस टिकट के ऐलान के बाद जुड़ गए हैं। अमोद, खास तौर पर जो निगाहें थी इस टिकट कैंडिडेट को लेकर, क्या नजर आ रही है आपको? मैं आपको बताऊं कि 11 की सूची जो जारी किया है बीजेपी ने, इसमें सबसे महत्वपूर्ण था पंजाब। पंजाब को लेकर जो बीजेपी की रणनीति है उसके तहत ही टिकट बांटा गया है, और जो टिकट दिया गया है उसमें ज्यादातर लोग जो है, जो 6 टिकट दिया गया है उसमें से 4 अभी हाल में ही बीजेपी ज्वाइन किए हुए लोगों को टिकट दिया गया है। इसमें अगर नाम ले तो अमृतसर से तरनजीत सिंह संधू, जालंधर से सुशील कुमार रिंकू, लुधियाना से रवनीत बिट्टू और फरीदकोट से पटियाला से परनीत कौर, ये 4 अभी हाल में ही बीजेपी ज्वाइन किए हुए थे और इनको टिकट दिया गया है। तो बीजेपी ने पंजाब के लिए खास जो रणनीति बनाई है कि जट, सिख और दलित वोटों का कॉम्बिनेशन, क्योंकि दिनेश सिंह बब्बू को गुरदासपुर दिया गया है और साथ ही उसमें मैं आपको बताऊं कि सुशील कुमार रिंकू को जालंधर से टिकट दिया गया है, ये कहीं ना कहीं दलित और जट सिख गठबंधन की कोशिश के तहत बीजेपी पंजाब में इस बार उतर रही है। और पंजाब में हमेशा बीजेपी को कहा जाता है कि अच्छा परफॉर्म नहीं करती रही क्योंकि कम से कम सीटें लड़ती रही है। इस बार बीजेपी 14 की 14 सीटें लड़ रही है, उसमें से फरीदकोट से हंसराज हंस, उनका दिल्ली का टिकट कट गया था, उन्हें पंजाब दिया गया है, इसका मतलब क्या है? क्योंकि पहले कहा जा रहा था कि अब शायद मुमकिन है कि हंसराज हंस को टिकट मिले। बिल्कुल, देखिए हंसराज हंस को पहले ये बताया गया था कि आपको पंजाब से चुनाव लड़ाया जा सकता है और पंजाब से फरीदकोट जो है सुरक्षित सीट है, एससी सीट है। हंसराज हंस एससी समुदाय के पंजाब के एक बड़े नाम है और सूफी संगीतकार हैं। फरीदकोट बाबा फरीद की भूमि है और वहाँ पे जो सूफी माहौल है वो काफी है और जो एससी समाज के लोग हैं वो काफी हैं, और इसलिए बीजेपी ने बहुत स्ट्रेटजिक ढंग से उनको वहाँ प्लेस किया है। निश्चित तौर पे बीजेपी की रणनीति का ये हिस्सा है। और जहाँ तक मैं बात करूँ आपको पंजाब की, ये बात रही 6 उम्मीदवारों में 2 रिजर्व सीट है और 4 जनरल है, और 4 जो जनरल है उसमें से 3 उम्मीदवार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से आए हुए उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। ये कहीं ना कहीं बीजेपी चाहती है कि इस बार वहां पे ठीक से प्लेसमेंट हो और ठीक से चुनाव लड़ा जाए और बेहतर परफॉर्म किया जाए, इसके तहत ये काम हुआ है। उड़ीसा की अगर बात करूं, जी जी जी, शुक्रिया अमोद इस जानकारी के लिए। पंजाब में बहुत सोची समझी रणनीति के तहत बीजेपी ने टिकट वितरण किया है।